नहीं, मुझे ज्ञात था कि सर तैयार होकर के बैठे होंगे, विद्यार्थी एक बार जुड़ जाते तो उसका तुम इसलिए मैसेज आपको कर नहीं, दिया। पिछली बार आपने कहा था कि हम जब मैसेज करेंगे तब तो मैं बैठा हुआ था। जी, और सर मुझे ज्ञात था, ध्यान था मुझे इस हाँ, बात का। तो तुरंत मैंने इसको वहां मेल को जा करके मैंने क्लिक किया तो फिर आ गया। जी, सर। तो हाँ एक सर मिनट, जी, जरा सा पानी पी लेता हूँ, एक घूंट पानी बिल्कुल पी लेता बिल्कुल हूँ, पानी बिल्कुल भरने सर, बिल्कुल गया सर। था। और जैसा आप आदेश देंगे उसी अनुसार काम किया जाएगा। सब जी कुछ सर, दिखाई निश्चित। दे रहा है ना? हाँ ठीक ठाक है। सर, हाँ सर, बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, आपकी आवाज भी स्पष्ट हाँ सुनाई दे रही है। कैसे हैं सर आप? हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, काम कर रहे हैं, पढ़ना लिखना ही हो रहा है जी सर, जी और सर, विश्वविद्यालय का बहुत काम आ गया है, वर्धमान विश्वविद्यालय का, अच्छा उसी अच्छा कार्य में अभी संलग्न हूँ। ये भी अपना ही विश्वविद्यालय है, जी उड़ीसा सर, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, तो आप लोगों से भी जुड़कर अच्छा लगता है। जी सर, आपका स्नेह है सर, यूं ही आपका स्नेह निरंतर मिलता रहा, मिलता बिल्कुल रहे। मुझे तो बहुत मिला है, हमारे विद्यार्थियों को भी आपका स्नेह इसी तरह सर मिलता रहे लगातार, यही सर आपसे आशा है। तो सर हम आरंभ करते हैं सर। हाँ, जी सर, आवाज स्वागत। जी सर, मेरी आवाज आ रही तो हाँ सर, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। बस। जी सर, शुभ अपरांत विद्यार्थियों, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आप लोगों का स्वागत है पुनः एक बार उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में, जहां आप और हम आमने सामने फिर से जुड़ चुके हैं एक नए विषय के साथ। और इस नए विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे आपके परिचित, हमारे अग्रज और मेरे प्रिय गुरु डॉक्टर चक्रधर प्रधान सर जुड़ चुके हैं। और सर का मैं अपने विश्वविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से एक बार पुनः स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में। अपना स्नेह आशीर्वाद और अपना व्याख्यान देने के लिए सर ने हमें भरी इसके लिए। और आज का ऐसा विषय है बिहारी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, मुख्य रूप से आपके पाठ्यक्रम में, बीए के पाठ्यक्रम में बिहारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की बात करनी है। तो आज सर से निवेदन रहेगा कि हम लोग मुख्य रूप से बिहारी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करें, और साथ ही हल्की फुल्की भक्ति काल पे भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि एक बिना भक्ति काल के या बिना बिहारी के भक्ति काल स्वयं अपने आप में अपूर्ण रह जाएगा। तो हल्की फुल्की चर्चा हम लोग भक्ति काल से आरंभ करके उसके बाद बिहारी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर फिर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, और अंत में आपके जो कुछ भी प्रश्न होंगे उन्हें मैं सर के समक्ष रखने का प्रयास बिल्कुल करूंगा। तब तक आपसे निवेदन रहेगा कि सर के व्याख्यान के साथ साथ आप अपने प्रश्न जो है इस चैट बॉक्स के माध्यम से लिखते रहें, और इस कक्षा के बीच में अपने माइक को अनम्यूट ना कीजिएगा, स्क्रीन को शेयर ना कीजिएगा, क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। तो इन्हीं सब के साथ मैं सर को निमंत्रित करता हूँ अपने व्याख्यान के लिए। सर, सर स्वागत है सर आपका पुनः एक बार। धन्यवाद। आप इसलिए भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप हम सभी को उत्साहित करते रहते हैं, अपने विद्यार्थियों को। हमें एक है कि हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, यह एक साधन है जिसके साथ हम उत्साहित होकर के सामने आने वाली जो विकट समस्या है उसको भूलते रहेंगे। सर्वत्र संबलपुर का भी हालत अच्छा नहीं है। मैं समाचार में देख रहा हूं वहां का हालत भी, यहाँ का हालत भी कलकत्ता का अच्छा नहीं है, किंतु इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम लोग कम से कम संवाद जारी रखेंगे, शिक्षा से संबंधित, कवियों के से संबंधित, अपने पाठ्यक्रमों से संबंधित विषय की चर्चा परिचर्चा करते रहेंगे, हमारी ताजगी बनी रहेगी। यह साधु प्रयास है उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का। मैं परमादरणीय कुलपति जी को, वहां के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, अभिषेक जी को, हिंदी से जुड़े हुए और हमारे जो ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए सभी बंधुओं को, मित्रों को, मैं साधुवाद कहते हुए, धन्यवाद कहते हुए, आज का व्याख्यान बिहारी व्यक्तित्व और कृतित्व मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। यह व्याख्यान विद्यार्थियों के लिए ही है। यहाँ किसी प्रकार का विद्वत्ता प्रदर्शन कि हम इतना जानते हैं, ये गलत है, ये सही है,
इसकी गुंजाइश नहीं रहेगी। विद्यार्थियों का उपकार हो जिससे जितनी सरलता से हम बिहारी को समझ सकते हैं उसका प्रयास मात्र है। बस इसलिए मैंने भी चेष्टा की है कि इसी 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे जो हमारे पास है, इस 1-1.5 घंटे में बिहारी को लेकर एक सम्यक समझ बनाई जा सके। हम बिहारी को कैसे समझेंगे? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी मित्रों, बिहारी के संबंध में जितनी शंकाएं हैं मैं पहले दूर कर देता हूं, है ना। जो विद्वत समाज में जो शंकाएं उठी हैं आज तक बिहारी को लेकर, ठीक, उसका समाधान करते हुए फिर उनके व्यक्तित्व पर मैं जाऊंगा, फिर उनके कृतित्व पर, फिर आपके प्रश्न उत्तर जितना मुझसे हो सकेगा, ये क्रम रहेगा। देखिए, बिहारी बिहारी शब्द थोड़ा सा भ्रम पैदा करने वाला है। क्या बिहारी 3 चीज के लिए प्रसिद्ध है? हिंदी की एक बहुत बड़ी उपभाषा है जिसका नाम है बिहारी, है कि नहीं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, है ना, पहाड़ी, राजस्थानी, ये जो 5 उपभाषाएं हैं इसमें एक उपभाषा है बिहारी। तो ये बिहारी नाम से विद्यार्थी क्या ये है ऐसे मान लेते हैं। तो ये बिहारी का अर्थ है एक उपभाषा, हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं उसमें एक उपभाषा बिहारी है ना। तो उनकी बोलियां है जो भोजपुरी, मगही, मैथिली है, ये बिहारी उपभाषा। तो इसका एक अर्थ बिहारी यह है। दूसरा जो बिहारी है वो बिहार के आदिवासी के लिए, जो बिहार में रहते हैं उनके लिए प्रचलित है कि बिहारी है। जैसे असम में असमी, उड़ीसा के लिए उड़िया, छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ी, इस प्रकार बिहार के जो रहने वाले हमारे मित्र हैं उनके लिए कहते हैं बिहारी। हमारे भारत में बिहार के तमाम लोग, भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में बसे हुए हैं उनके लिए प्रचलित शब्द है बिहारी। ये बिहारी है यानी बिहार का रहने वाला है। तीसरा जो हमारे वो बिहारी जो है ना, ये बिहारी हमारे बिहारी लाल है, जो हिंदी साहित्य में बिहारी के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य में जो बिहारी है ये एक ही बिहारी है जो रीतिकाल का प्रतिनिधित्व करने वाला कवि है, रीतिकाल का सबसे लोकप्रिय कवि है, जिनका पूरा नाम बिहारी लाल चौबे है। किंतु और उनका थोड़ा नाम बता देता हूं, कहीं कहीं बिहारी लाल केशव राय चौबे ऐसा नाम भी मिलता है। क्यों मिलता है? उनके पिताजी का नाम केशव राय था। तो पहले कभी क्या करते थे, अपनी परिचिति पिता के परिचिति से बनाते थे। आजकल भी ये है, महाराष्ट्र में ये चलता है ना। तो कब पहले अपना नाम लिखकर तब पिता के नाम लिखते थे, फिर अपनी उपाधि या वर्ग लिखते थे। तो उनका पूरा नाम पुस्तकों में, कहीं कहीं रिसर्च पुस्तकों में मिलती है, बिहारी लाल केशव राय चौबे, किंतु उनका नाम था बिहारी लाल चौबे। इसकी एक राज है, उनका नाम बिहारी लाल क्यों रखा गया ये बहुत कम लोग जानते हैं, है ना, मैं बताऊंगा इसी क्रम में। तो ये 3 बिहारी हुए। तो इसमें आज जो बिहारी के बारे में हम लोग यहाँ संवाद करने जा रहे हैं वो हमारे रीतिकाल के आदरणीय, लोकप्रिय और बहुत ही प्रतिनिधि रचनाकार, एक ग्रंथ को लेकर हिंदी साहित्य में अमर रहने वाले रचनाकार बिहारी लाल है। ये हो गया। तो ये पहला भ्रम। दूसरा भ्रम है, बिहारी का जन्म बिहार में नहीं हुआ था, है ना। बिहारी का जन्म जो है और कर्म दोनों बिहार से दूर था, नाम भले ही बिहारी पड़ा हो। इस क्रम में बता देना चाहता हूं कि बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर में हुआ था। पिछले वर्ग में मैंने आपको कहा था रस खान के बारे में, उनके जन्म, उनकी मृत्यु, उनके कर्म के बारे में सब जनश्रुति है, कहीं पुख्ता प्रमाण नहीं है।
आज मैं बता देना चाहता हूं, ये जो रीतिकाल का बिहारी कवि है इसके बारे में सब पुख्ता प्रमाण है। ये इनका जन्म भी जहां हुआ था, इन्होंने रचनाएं कब की, कहाँ रहे, कहाँ शादी हुई, इसका प्रमाण है। इसलिए प्रमाण है कि इन कवि को बहुत दुखों का सामना करना नहीं पड़ा। ये कवि बड़े सौभाग्यशाली कवि हैं रहे जिनको जयपुर का राज घराना मिला, आमेर राज दरबार के ये राज कवि थे, राजाओं के समान पालक में बैठ करके चलते थे। ऐसे सौभाग्यशाली कवि हिंदी में बहुत कम कवि रहे हैं। रीतिकाल के कवियों को ये दरबार प्राप्त हुआ है जहां रीतिकाल के कवि पालकी से हाथी के ऊपर, घोड़े के ऊपर, रथ के ऊपर, है ना, शान से चलने वाला कवि था। तो इसलिए बिहारी के संबंध में कहीं किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। अच्छा, दूसरे भ्रम, ये हिंदी साहित्य की आलोचना में यह थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात यह रही है कि बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं कि रीतिबद्ध कवि हैं। ये प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा, यदि भूल जाऊंगा तो फिर याद दिला दीजिएगा। ये जब उनके कृतित्व के बारे में मैं बताऊंगा तो इसका समाधान वहां करूंगा। तो ये दो कंफ्यूजन बिहारी के संबंध में विद्यार्थियों में रहता है, नहीं तो बिहारी के कृतित्व को लेकर, बिहारी के व्यक्तित्व को लेकर कहीं कोई भ्रम या शंका की गुंजाइश नहीं है। तो आते हैं ऐसे कवि, रीतिकाल के प्रतिनिधित्व करने वाले कवि, गागर में सागर भरने वाले कवि, दोहे जैसे छंद में बड़े से बड़े भाव को भर देने वाला कवि बिहारी लाल का व्यक्तित्व बहुत ही उत्तम और उन्नत व्यक्तित्व था। वो व्यक्ति रूप में बहुत अच्छे थे और उनके व्यक्तित्व में कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं रही। मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग इतिहास की पुस्तकें उठाइएगा, इनका जन्म सन 1595 में ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर की किस जगह ये पता नहीं है, किंतु उनके पिता बड़े कृष्ण भक्त थे। निम्बक जो संप्रदाय है उसी संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, यही बताने जा रहा हूं, विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभ होगा। तो निम्बाक संप्रदाय में उनका, उनके पिता केशव राय, वो दीक्षित थे और उन्हीं के गुरु का नाम नरहरियाचार्य या नरहरिदास था, नरहरियानंद नहीं है, नरहरिदास। और बिहारी भी उन्हीं के शिष्यत्व तो लाभ किए, नरहरिदास उनके गुरु हैं जो निम्बार्क आचार्य के संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय के दीक्षित थे। तो जेहेतु तो पिता निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, निम्बार्क संप्रदाय में बांके बिहारी का पूजन अर्चन कीर्तन किया जाता है। बांके बिहारी यानी कृष्ण, तो कृष्ण भक्त थे तो बांके बिहारी का पूजन अर्चन और उसकी महत्ता, कृष्ण को बांके बिहारी के रूप में वहां पूजन अर्चन किया जाता है। अतः उसी से प्रभावित होकर उनके पिता केशव राय ने इनका नाम बिहारी लाल रखा था, यानी बिहारी लाल का अर्थ है छोटा कृष्ण, जो लाल कृष्ण है छोटा कृष्ण, वही बिहारी के नाम से संबंधित ये दंत कथाएं हैं। ये कहाँ तक सत्य है हमें भी मालूम नहीं, किंतु यह सुनी जाती है। तो बिहारी लाल तो वे 8 वर्ष तक तो ग्वालियर में रहे और 8 वर्षों के बाद वे जो है 8 वर्ष के बाद वे ओरछा चले आए। ओरछा तत्कालीन व अभी के बुंदेलखंड के अंतर्गत पड़ता है। हिंदी साहित्य में ओरछा नरेश का अवदान, या ओरछा नरेश की जो लाइब्रेरी है व ओरछा नरेश का साहित्य प्रेम बहुत चर्चित है। तो ओरछा चले आए बुंदेलखंड, और तब क्या हुआ, थोड़ा जब जुआ हुए उनका विवाह मथुरा के आसपास हो गया, तो मथुरा में वो रहने लगे।
यानी कि इनका जीवन ग्वालियर से लेकर बुंदेलखंड और बुंदेलखंड से लेकर मथुरा तक है, फिर मथुरा से फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे जयपुर। तो देखिए इन्होंने कितने क्षेत्र देखा है, इन्होंने कहाँ कहाँ अपना अनुभव ताजा किया है। तो मथुरा में ये आए और वहां कहा जाता है कि ये भी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ये है, तो इससे संबंधित एक प्रसिद्ध दोहा है जो टीका साहित्य में, यानी कि बिहारी सतसई की जो टीकाएं लिखी गई हैं, उन टीकाओं में मिलती है। वो दोहा है, जन जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। ये दोहा प्रचलित है, ये बिहारी के संबंध में है। बिहारी ने ही दोहा लिखा है या कृष्ण कवि या उनके कोई अनुयायी बा उनके टीका लिखने वाले, ये तो नहीं जानते, किंतु ये दोहा प्रसिद्ध है। जन्म ग्वालियर जानिए, बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था, खंड बुंदेले बास, 8 वर्ष के बाद वो बुंदेलखंड में आकर रहने लगे। तरुणाई आई सुघर मथुरा, जब तरुणाई उनमें जब नव जौवन आया, शादी हुई, तो मथुरा में ससुराल में बसे, यानी कि उनका विवाह मथुरा में हुआ। अब क्या हुआ, मथुरा में जब रहने लगे तो क्या होता था कि इनको वृत्ति मिलती थी, इनके पिताजी से संबंधित वृत्ति, और उसी वृत्ति बहुत सारे राजाओं के जो आसपास है, राजाओं का ये सब है, वो कैसी मिलती है थी, ये भी मैं बता देता हूं कि यह कथित है कि बिहारी की भेंट तत्कालीन हिंदुस्तान का बादशाह शाहजहां से हुआ था, और शाहजहां भी बड़ा कला प्रेमी था, साहित्य प्रेमी था। शाहजहां ने जो हिंदू राजा आदि थे अपने समय में, उन राजा के यहाँ वृत्ति, यानी कि कुछ जो फेलोशिप वगैरह आजकल जो मिलता है, उस समय वृत्ति जो है, वो वृत्ति के लिए बिहारी को बहुत सी जगह जाना पड़ता था। तो एक बार क्या हुआ कि इनको वृत्ति के लिए जयपुर जाना पड़ा, और जयपुर में तत्काल उसी समय एक ऐसी घटना घटी जो बिहारी को बहुत आगे बढ़ा दिया। घटना ऐसी है कि जयपुर के नरेश सवाई राजा जयसिंह उस समय चौहानी रानी से नई नई शादी किए थे। जयपुर राजा तो बहुत शादियां करते थे, बहुत बहुपत्नीक थे, तो उसमें एक चौहानी रानी थी, तो उसके साथ वो नवेली थी, प्रौढ़ा नहीं थी, तो नवेली जब थी तो उसी के साथ उस श्रृंगार में मस्त रहते थे, और उसी कारण राजकाज सब ठप हो जाता था, प्रजा परेशान हो जाते थे, क्या करें न करें, किसी का हिम्मत नहीं बनता था कि राजा को कहें कि हे राजा आइए सिंहासन पर आइए, दरबार आइए, छोड़िए वो सब, थोड़ा राजकाज देखिए, ऐसा साहस नहीं होता था। ये बात पता चल गई बिहारी को, तो बिहारी ने उस समय एक दोहा लिखा, इसके पहले वो दोहा लिखते होंगे जरूर, उनमें कवित्व शक्ति तो था ही, तो एक दोहा लिखे, वो दोहा है, सबके लिए प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये अन्योक्ति अलंकार का एक दोहा है, ये लिख करके जयसिंह के पास भेज दिया गया। जयसिंह भी रसिक काव्य रसिक थे, पढ़ करके जान गए, और जान करके वो बाहर आए, फिर कवि को ढूंढा गया, कौन लिखा, बिहारी लिखे हैं, यह पता चल गया। बिहारी के कवित्व शक्ति से वो बहुत प्रसन्न हो गए, और बहुत प्रसन्न होकर के उनको एक गांव दे दिया कि वो गांव काली पहाड़ी के नाम से अभी भी जानी जाती है। बिहारी को वो गांव का जागीर दे दिया,
यानी उस गांव में जितनी कमाई होगी जो भी होगा उसका मालिक बिहारी होंगे। और उनको ये भी कहा गया कि आप दोहा लिखते रहिए और हर एक दोहा में एक असरफी मुद्रा दी जाएगी, यानी कि एक स्वर्ण मुद्रा। बताइए कैसे सौभाग्यशाली कवि थे ये। तो ये बिहारी थे और वहां क्या किए कि उसी दरबार में ये राजकवि घोषित किए, वहां राजकवि के रूप में ये रहे और दोहा लिखते रहे। उनका उस राज दरबार में बड़ा सम्मान था और उन्होंने उस राज दरबार की शोभा भी बढ़ाई, दोहा ही लिखी। एवं जयपुर के राजघराने के साथ उनका एक घनिष्ठ संबंध बन गया। तो जेहेतु ये राजघराने से संबंधित थे, इनका जीवन सुखमय था। यह भी कहा जाता है कि जब उनके राज दरबार या जयसिंह को जब कुमार प्राप्त हुआ, राम सिंह यानी राम सिंह का जन्म हुआ, तो उनका विद्यारंभ बिहारी के हाथों से किया गया। बिहारी ने राम सिंह को पढ़ाया, बिहारी ने राम सिंह को ज्योतिष, खगोल, भूगोल, तत्कालीन जो विद्याएं थी, काव्य शास्त्र, ये सब बिहारी ने उनको पढ़ाया। यानी बिहारी राज दरबार के कवि ही नहीं, राजघराने के गुरु भी रहे, काव्य गुरु रहे, इसीलिए उनका सम्मान और बढ़ा। और एक बात है बता देना चाहता हूं कि बिहारी के व्यक्तित्व ऐसा था कि वो तो सुख सुविधा में रहते थे, किंतु सुविधाओं का क्या बोलते हैं, नालायक फायदा यानी कि नाजायज फायदा लेने वाले नहीं थे। सुविधा मिल रही है इसलिए बहुत सुविधा हम लोग भोगे हैं, बहुपत्नी रखे हैं, ऐसा नहीं। उनकी एकमात्र पत्नी थी और वे क्या किए, वो उनकी संतान वगैरह नहीं हुई तो उन्होंने एक निरंजन कृष्ण को गोद ले लिया था। देखिए एक गोद लेने की प्रथा, प्रथा नहीं यानी कि निरंजन कृष्ण को, वो निरंजन कृष्ण यह माने जाते हैं कि बाद में बिहारी सतसई के टीकाकार हुए, जिनका नाम कृष्ण कवि के रूप में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि निरंजन कवि, निरंजन कृष्ण और कृष्ण कवि ये दोनों एक हैं, जिन्होंने बिहारी की टीका लिखी है और उन्हीं को गोद लिए थे बिहारी ने, यह प्रसिद्ध है। तो ये है इनका जीवन। इनका जीवन इसीलिए भी ज्यादा उदात्त रहा कि ये कृष्ण भक्त रहे, ये भी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित रहे और जीवन का नानान अनुभव, जीवन के बहुविध अनुभव को अपने काव्य में दोहे के माध्यम से उन्होंने लिखा है, जिसका एकमात्र प्रमाण उनके सतसई है, बिहारी सतसई। मैं कहना चाहूंगा इसीलिए वो चाहते तो बहुपत्नी ले सकते थे, उनको राज दरबार प्राप्त था, सारी सुख सुविधाएं मिली थी, किंतु उन्होंने नहीं ली। उन्होंने आजीवन काव्य साधना की और उन्होंने बहुत से तत्कालीन जो संस्कृत, प्राकृत, खगोल, गणित, भूगोल, ज्योतिष, इन सब का अध्ययन किया। उनका जीवन अध्ययन और काव्य साधना में बीता और उनका कोई दुर्बल पक्ष या कोई और व्यक्ति के कोई पक्ष नहीं उगते। उनके समर्पण ऐसा है कि उसी राज दरबार में ये आजीवन रहे, दरबार के हित काम किए, राजाओं को सही मंत्रणा, कुमार को पढ़ाना, काव्य साधना करना और विभिन्न विद्याओं का अध्ययन करते रहना, यह बिहारी का जीवन बना। इसलिए बिहारी बहुज्ञ कवि, बहुत कुछ जानने वाले कवि, काव्य शास्त्र के प्रवीण कवि थे। अतः इनका जो, इनकी सतसई जो है, ये सतसई कोई योजनाबद्ध तरीके से लिखा गया काव्य नहीं है। ये सतसई की योजना तो बाद में बनी, वो मुक्तक दोहे लिखते रहे और बाद में उनके अंतिम जीवन में ये सत्संग के रूप में
यह जाना गया, बाद में प्रकाशित भी हुआ। और इसी प्रकार 1662 में सतसई के रूप में वह आया और 1663 में उनकी मृत्यु हुई। तो ये है महाकवि और बहुत ही लोकप्रिय कवि बिहारी का व्यक्तित्व। यह व्यक्तित्व हमें प्रभावित करता है, यह व्यक्तित्व उनके दोहों में भी यह पाया जाता है। उनकी बहुज्ञता, उनकी प्रौढ़ता, उनकी भक्ति, कृष्ण भक्ति, उनकी नीति संबंधित कथन एवं उनका श्रृंगार, उनकी श्रृंगार चेतना, ये सब उनके दोहों में, उनकी सच्चाई में पाए जाते हैं। तो ये है महाकवि बा प्रतिनिधि कवि रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि बिहारी का व्यक्तित्व। इस संबंध में एक बात उल्लेख कर देना चाहता हूं कि बिहारी की जो सतसई बा बिहारी की जो लोकप्रियता है, भक्ति काल के कवि तुलसीदास के बाद हिंदी साहित्य का दूसरा कोई लोकप्रिय कवि है तो वह है रीतिकाल का यह बिहारी लाल, जो सतसई के रचयिता के रूप में, बिहारी सतसई के रचयिता रूप में प्रसिद्ध है। ये उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। विद्यार्थी, इससे अवगत होने के बाद जब उनके कृतित्व में प्रवेश करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे बिहारी कैसे व्यक्तित्व के थे। और एक बात मैं जोड़ देना चाहता हूं कि कहीं यदि कहीं छूट गया हो तो इन्होंने जो अध्ययन किया, क्या क्या अध्ययन किया, कहाँ से ये प्रभावित रहे, ये उनके कृतित्व के अभी के व्याख्यान में मैं कहूंगा। तो इतने ही बिहारी के व्यक्तित्व से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है इतिहास के ग्रंथों में, और उनके व्यक्तित्व में कहीं किसी प्रकार का दाग, किसी प्रकार का मैलापन नहीं मिलता है। वे माथुर चौबे ब्राह्मण थे, हैं चतुर्वेदी को चौबे कहा जाता है, माथुर चतुर्वेदी। तो और निम्बार्क आचार्य के जो संप्रदाय है उसी में दीक्षित थे। एक उन्नत राज परिवार में एक मर्यादापूर्ण और बहुत ही सम्मान्य पद में सुशोभित थे, राज कवि के रूप में थे। अतः वे अपनी मर्यादा को जानते थे और कवि के रूप में अपने अनुभवों को उन्होंने दोहे में छंदबद्ध किया है। तो ये उनका व्यक्तित्व, और उनके सानिध्य में कृष्ण कवि आए, जो ये निरंजन कृष्ण के रूप में प्रसिद्ध हैं, और उन्होंने बिहारी सतसई की पहली टीका लिखी। बिहारी सतसई का संकलन शायद उन्होंने किया हो और फिर उनकी टीका लिखी, जो कृष्ण कवि की टीका के रूप में प्रसिद्ध है। और हर दोहे के लिए उन्होंने एक कवित्त लिखा, और बिहारी के समान वो भी आज टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये बिहारी का व्यक्तित्व, जो 1595 से लेकर 1663 तक एक सुखमय, एक सादगी भरा, एक प्रसिद्धि पाया हुआ व्यक्तित्व, एक लोकप्रिय कवि का व्यक्तित्व है, जो हिंदी साहित्य में बहुत कम कवियों को ऐसा अवसर व ऐसा सौभाग्य मिला है। ये रहा उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष। दूसरा है उनका कृतित्व। देखिए, व्यक्तित्व से ही कृतित्व बनता है। मैं यहां उनके कृतित्व का मूल्यांकन करने के लिए मैं रामचंद्र शुक्ल जी का एक अवतरण आपके सामने रख रहा हूं,
जिसमें उनका कृतित्व समाहित है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने लिखा है, मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, अपितु इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी का जो मुक्तक है ये गुलदस्ता है, इसमें रस के छींटे हैं, यानी कि बिहारी का कृतित्व प्रबंध काव्य नहीं है, बिहारी का कृतित्व मुक्तक काव्य है। और मुक्तक काव्य की जितनी विशेषताएं होनी चाहिए वा हैं, उन सब का समाहार बिहारी सतसई में है। आपको इसकी चर्चा करते हुए बताऊंगा। मैं दूसरा अवतरण उन्हीं का लेता हूं, रामचंद्र शुक्ल जी का, और बिहारी के कृतित्व के संबंध में विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि इस अवतरण को जरूर लिखें, क्योंकि ये बिहारी के कृतित्व को जानने के लिए अति आवश्यक है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी, ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं इतिहास में। यानी कि मुक्तककार कवि में कल्पना शक्ति की प्रचुरता हो और भाषा की समास शक्ति, यानी कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की क्षमता हो, वह बहुत बड़ा मुक्तककार के रूप में सफल होगा। और यह जो गुण है, दो गुण है, ये बिहारी के व्यक्तित्व में, बिहारी के कवि व्यक्तित्व में यह भरा ये भरे हुए थे, इसमें संदेह नहीं। हम इन्हीं दो अवतरण के सहारे उनका जो कृतित्व है, उन कृतित्व को हम आपके सामने रखेंगे एवं यह समझाने का प्रयास करेंगे कि बिहारी की लोकप्रियता कितनी ऊंची थी और अभी भी है। बिहारी का कृतित्व, यानी कि बिहारी ने जो कुछ लिखा वो सब सतसई में संग्रहित है। बिहारी ने लगभग 700 से अधिक दोहे लिखे, 700 से अधिक दोहे। देखिए, सतसई में कहीं कहीं 719 दोहे संग्रहित हैं, कहीं कहीं 713 दोहे हैं। 713 दोहों में कुछ सोरठा मिला करके 19 होते हैं। तो इस प्रकार जो बिहारी रत्नाकर, जो प्रामाणिक टीका है बिहारी सतसई की, तो उसमें रत्नाकर जी ने इतने दोहे, 719 दोहे रखे हैं। तो कहना चाहता हूं कि बिहारी का कृतित्व सब कुछ सतसई में संग्रहित है, यानी बिहारी ने जो कुछ लिखा सतसई के रूप में संग्रहित है, उसे हम बिहारी सतसई मानते हैं। विद्यार्थियों के हित कह देना चाहता हूं कि इस संकलन को बा जो दोहे हैं उसको सतसई क्यों कहा जाता है। सतसई शब्द ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द है सप्त सती। सप्त सती का अर्थ है 700। सप्त सती, सती मतलब 100 और सात मत सप्त मतलब सात, तो सप्त सती का अर्थ है 700। ये संस्कृत में बहुत प्रचलित है सप्त सती। तो इसी सप्त सती का तद्भव रूप है सतसई, यानी 700, यानी कि बिहारी के 700 या 700 से अधिक दोहे का संकलन। बिहारी ने क्यों ऐसा रखा?
इसका उत्तर है, मैं पहले कह चुका हूं कि बिहारी बहुज्ञ थे, बहुशास्त्र अध्येता थे, तत्कालीन संस्कृत के, प्राकृत के बहुत से काव्य को पढ़ चुके थे और उस संस्कृत के विद्वान भी थे, बहुत जानते थे। संस्कृत समेत खगोल, भूगोल, ज्योतिष, गणित इसके भी जानकार थे। तो इन सारी जानकारी के लिए उनको बहुज्ञ कवि या बहुज्ञता कहा जाता है, बहुत कुछ जानते थे। सतसई में, बिहारी सतसई में ऐसे दोहे हैं जो उनके ज्योतिष ज्ञान को, उनके काव्य शास्त्रीय पकड़ को, उनके छंद शास्त्र के ज्ञान को, उनके भाषा ज्ञान को, भाषिक क्षमता को प्रमाणित करते हैं। तो सतसई उसी परंपरा की है। बिहारी सतसई, वा बिहारी जब सतसई रचना करते थे, दोहे रचना करते थे, तो उन्होंने अध्ययन किया था संस्कृत का बहुत बड़ा सप्तसती, उसका नाम है गाथा सप्तसती। फिर एक सप्तसती का नाम आता है आर्या सप्तसती और तत्कालीन प्राकृत ग्रंथ अमरूक शतक। विद्वानों ने यह कहा है कि बिहारी सतसई गाथा सप्तसती, आर्या सप्तसती और अमरुक शतक से बनी रत्नमाला है और एक श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य इसलिए कि उसमें हर कोई दोहा, हर एक दोहा स्वतंत्र है, उसका अलग अर्थ है, उसका कोई पूर्वापर संबंध नहीं। वो मुक्तक है, वो स्वतंत्र है, वो पूर्वापर संबंध से मुक्त है, कथा क्रम से मुक्त है, इसलिए वह मुक्तक काव्य है। तो कह रहा था कि गाथा सप्तसती, आर्या सप्तसती, अमरुक शतक, इनमें जो भाव थे एवं तत्कालीन दरबार में जो उनका अनुभव बढ़ा था, उन सारे अनुभवों को इकट्ठा करते हुए बिहारी एक एक दोहे लिखते थे और ऐसा दोहा जिस दोहा के लिए उनको एक स्वर्ण मुद्रा मिलता था, बताइए कितने चमत्कार होगा। यानी कि उनके दोहे में रस भरे हैं, अलंकार भरे हैं, मनोरंजन तो है ही है, उसमें मनोरंजन की पुट है, किंतु उसमें उनका अध्ययन का अनुभव और साधना का अनुभव भी भरा हुआ है। मैं कह देना चाहता हूं कि मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी का श्रेष्ठ स्थान है। हिंदी साहित्य में जो मुक्तक काव्य परंपरा है, इसलिए श्रेष्ठ है कि उनका, उनके जो दोहे हैं ये गागर में सागर भरने वाले हैं। उनके दोहे देखने में छोटे हैं, तो सतसई के दोहे के बारे में यह एक प्रसिद्धि है, एक दोहा लिखा गया है, वह है सतसैया के दोहरे जीव नाबक के ती दे किंतु बड़ा से बड़ा घाव करने वाला है, उसमें बड़ी मारक क्षमता रहती है, ऐसा तीर है। कहना यह है कि ये जो दोहे हैं दो चरण के, इसमें इन दोहों में क्या है, इन दोहों में अलंकार के तत्व हैं, इन दोहों में रस हैं,
भाव है, नायिका भेद है, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि काव्य बिहारी को रीति किया था सूत्र रीतिबद्ध, कहीं कहीं रीति सिद्ध है। विश्वनाथ उनका तर्क है कि जो कवि स्वतंत्र रूप से कोई रीति ग्रंथ न लिखा हो, काव्य शास्त्र ग्रंथ न लिखा हो, रस अलंकार नायिका भेद न लिखा हो, किंतु उनके काव्यों में काव्य शास्त्र के सभी तत्व पाए जाते हो, वो रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। ऐसे कवि बिहारी लाल ही है, इसलिए इनको रीति सिद्ध माना जाता है, यानी कि इनको काव्य शास्त्रीय ज्ञान है, रीति में इनको काव्य शास्त्र में इनको क्या बोलते हैं, काव्य शास्त्र का इनमें ज्ञान है, काव्य शास्त्र का अध्ययन किया है, किंतु स्वतंत्र रूप से इन्होंने काव्य शास्त्र नहीं लिखा है, इसलिए इनको रीति सिद्ध कवि कहते हैं। किंतु दूसरे विद्वान हिंदी साहित्य के रीतिकाल के अरीति विद्वान डॉक्टर नगेंद्र, ये बिहारी को रीतिबद्ध की कोटि में रखते हैं। रीतिबद्ध कोटि, इनका तर्क क्या है कि ये ऐसे दोहे लिखे हैं जो रस अलंकार रीति ध्वनि आदि के लिए उद्धरणीय है। भले ही इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु इनकी कविता में, इनके दोहों में रीतिबद्धता है। रीति में बंध कर ये रहते, काव्य शास्त्र को लेकर के, काव्य शास्त्र के ज्ञान प्राप्त करके ही लिखते थे, इसलिए इनकी रचनाएं रीतिबद्ध है, कारण इसमें अलंकार रस भाव नायिका भेद ध्वनि वक्रोक्ति रीति गुण आदि सभी काव्य शास्त्र के तत्व पाए जाते हैं। अतः इनकी रचना, इनके जो दोहे हैं, ये रीतिबद्ध हैं, ये माना जाता है। तो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध को लेकर यह एक चर्चा परिचर्चा चलती है, किंतु इसका सारांश यह है कि रीतिकाल का यह कवि गागर में सागर भरने वाला, दोहे जैसे छोटे छंद में बड़े से बड़े भाव को अभिव्यक्त करने वाला, एवं अपने अनुभव से भाषा की सरसता और प्रांजलता से लेकर काव्य को चमकाने वाला कवि, ये रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि या रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि का रूप पाता है। मैं कोई उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, और उन उदाहरणों को रखने के पहले, उसकी परिचर्चा कहने के पहले, करने के पहले, मैं एक बहुत बड़े विद्वान की उक्ति रख रहा हूं जिन्होंने बिहारी के संबंध में कही है, ग्रियर्सन, सर अब्राहम व जन अब्राहम ग्रियर्सन। उन्होंने कहा है, जो बिहारी की लोकप्रियता का प्रमाण है, उनके शब्द हैं, यूरोप में बिहारी सस्य के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ये ग्रियर्सन का कथन है, केवल भारतवर्ष में नहीं या हिंदी प्रदेश में नहीं, समग्र यूरोप में बिहारी सत्य के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ग्रियर्सन ने यह बात कही है। अर्थात बिहारी की सत्य इतना लोकप्रिय है, यह बिहारी कथन बिहारी की लोकप्रियता का प्रमाण है। मैं कह रहा था कि बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में बड़े से बड़े भाव को भर दिया है। बिहारी सत्सई का जो
मंगलाचरण के रूप में जो दोहा पाया जाता है, उस दोहे के कई अर्थ हैं, कई, कहीं 10 अर्थ मिलता है, कहीं 12 अर्थ मिलता है, किंतु उसके 5-6 अर्थ बहुत प्रसिद्ध है। दोहा है, मंगलाचरण के रूप में है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामो हरि द्युति होई। ये दोहा बिहारी के का पहला दोहा है, इसे मंगलाचरण के रूप में रखा गया है और इनके कई अर्थ हैं। एक है कि यहां राधा की वंदना है, कृष्ण की वंदना नहीं है। तो राधा की वंदना करते हुए कभी कभी यह कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, हे वही राधा नागरी, मेरी भव बाधा यानी कि सांसारिक कष्ट, भवसागर की बाधाएं विपत्तियां हर लो। कौन राधा नागरी? जातन की झाई परे, जिसके शरीर की झाई, आभा सुंदर सुंदरता झाई परे, श्याम हरि द्युति होई। श्याम मतलब भगवान कृष्ण, हरि द्युति मतलब खुश हो जाते हैं, भरे भरे हो जाते हैं, जिनके शारीरिक कांति, जिनकी शारीरिक कांति को देखकर कृष्ण भी हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वही राधा नागरी, आप मेरी भव बाधा और विपत्ति हरण कर लीजिए, उसको दूर, उन विपत्तियों को दूर कर लीजिए। ये इसका एक अर्थ है। इसका दूसरा अर्थ है, यहां श्लेष, मेरी भव बाधा हरो, मेरी जो ये भवसागर की बाधा क्या है, ये काव्य लेखन में जो त्रुटियां होंगी, मेरी साधना में जो त्रुटियां होंगी, मैं जब जो दोहा लिखने का जो काम कर रहा हूं, इसमें यदि कहीं बाधा आए उसका भी हरण कर लो। क्यों? क्योंकि जातन की झाई पड़े श्याम हरिद्युति हो, यानी कि जिसकी कांति से, जिनकी सुंदरता से, जिनकी जिनके शरीर की आभा से, जो हमारे भीतर जो श्याम तत्व है, श्याम मतलब जो कलमस है, जो काले तत्व है, कलंक है, जो विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये जो हमारे शरीर के हमारे जो मानसिक विकार हैं, हमारे भीतर के जो काला पक्ष है, इसको आप दूर कर लीजिए, इसको हरा कर लीजिए, है ना, ये दूर हो जाए। तो इसी प्रकार यहां ये दो अर्थ है। तीसरा अर्थ है कि मेरी रचनात्मक जो बाधाएं हैं, काव्य रचना की जो बाधाएं हैं, ये बाधा विपत्ति को हरण कर लीजिए, क्योंकि काव्य रचना में बहुत सी बाधाएं आती हैं, जो कलंक पक्ष है काव्य रचना के लिए। काव्य रचना के लिए क्या क्या कलंक पक्ष है? असंगति, क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति, और क्या बोलते हैं कि रसाभास, और एक है कि उसमें काव्य दोष, ये जो काव्य साधना की जो कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, उन त्रुटियों को भी आप दूर कर लीजिए, हे राधा नागरी, तब फिर दोहे लिखते रहते हैं। तो कहना यह है कि इसमें कई अर्थ हैं, टीकाकार और सारे अर्थ लगाते हैं, किंतु ये 2-3 अर्थ बहुत प्रसिद्ध है। इसको इस प्रकार समझाया गया है, हमारे अध्यापकों ने भी इस प्रकार हम लोगों को समझाया है। 11-12 अर्थों में नहीं जाकर इसके जो 2-3 अर्थ है, एक सांसारिक बाधा से संबंधित, दूसरा जो शरीर के जो कलमस है, मानसिक जो काला पक्ष है, विकार है,
पंचमकार जो है उसको उससे संबंधित एक अर्थ, और तीसरा है काव्य लेखन से जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करने का अर्थ। ये तीन अर्थ प्रसिद्ध है। तो देखिए यहां आप लोग यह समझे होंगे कि छोटा सा दोहा और उसमें कई अर्थ, कितना बड़ा भाव। उसमें एक तरफ वंदना है राधा के लिए, दूसरी तरफ प्रार्थना है और अपने काव्य को निर्विघ्न पूर्ण करने की कामना भी है कि कोई विघ्न न हो और ये मेरा काव्य लेखन पूरा हो जाए। तो इस प्रकार तो कहना यह है कि सत्सई में बिहारी ने बड़े से बड़े भाव को भरने का प्रयास किया है, उसमें उसको उनको सफलता मिली है। तो उनके कृतित्व में सत्सई ही एकमात्र काव्य ग्रंथ है, संकलन है, जिनमें अनेक भाव के दोहे भरे पड़े हैं। ये दोहे किन प्रकार के हैं? मुख्य रूप से तीन प्रकार के। एक श्रृंगार परक दोहे, श्रृंगार रस से संबंधित दोहे। दूसरा भक्ति से संबंधित, भक्ति भावना से संबंधित दोहे। और तीसरा नीति कथन से संबंधित दोहे, यानी कि श्रृंगार रस, भक्ति रस और शांत जो नीति, इन तीनों रसों का समावेश मुख्य रूप से हुआ है। और उनका उनकी बहुज्ञता, उनका जीवन, उनके जीवन की साधना, उनके समग्र अध्ययन इसमें समाहित है। इसी क्रम में मैं ये भी बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि सत्सई में नपे तुलो शब्दों में, नपे तुले शब्दों में, कम शब्दों में श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक और विशेष रूप से नायिका का रूप वर्णन, नायक नायिका का वयह संधि वर्णन और यौवन की मादकता का वर्णन, गदराई युवावस्था का वर्णन, ये संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। और बिहारी के जीवन का जो प्रौढ़ अनुभव है उसका चित्रण भक्ति और नीति के दोहे के रूप में हुए है। इसी प्रकार बिहारी सतसई श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी है, यानी इसमें त्रिवेणी है, ये त्रिधारा है, श्रृंगार नीति और भक्ति, और यह हिंदी की अपूर्व निधि है। इतने लोकप्रिय ग्रंथ रीतिकाल में कहीं नहीं है। पहले तो कहा गया है कि यूरोप में इतना लोकप्रिय ग्रंथ कहीं नहीं है। तो ये उनकी लोकप्रियता रही है। मैं एक एक उदाहरण के माध्यम से, समय को देखते हुए, एक एक उदाहरण के माध्यम से मैं उनके कृतित्व का व उनकी उनके जो सत्सई है उनकी विशेषता, उसके गुणों को आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें एक दोहा ऐसा है जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों को चरितार्थ करने वाला है। ये दोहा है, तंत्रीनाद कवित रस सरस रति राग रंग, अनबूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। ये उनका व्यक्तित्व भी है, कृतित्व भी है, यानी कि इसका अर्थ बता रहा हूं। और इसमें प्रेम और कला का जो समन्वय दिखाया गया है, दोनों को जो मिलाया गया है, उसका सौंदर्य भी आपके सामने रख लूंगा। तंत्रीनाद और कवितरस, तंत्रीनाद कला, तंत्री मतलब है तार यानी कि वीणा, तंत्रीनाथ यानी कि कला, संगीत कला,
कविता रस कविता काव्य कला, सरस रति राग रंग रति राग काम कला, रति मतलब प्रेम श्रृंगार, रति राग रंग प्रेम कला यानी काम कला। इन तीनों कलाओं में जो अनबुड़ा है, जो आधा डूबने वाला व्यक्ति है, वो डूब जाता है, बूढ़े वो नष्ट हो जाता है, वो डूब जाता है, वो सफल नहीं हो पाता है। तीरे जे बूढ़े सब अंग, जो पूरी तरह इसमें बूढ़ जाएगा, डूब जाएगा, इसमें निमग्न हो जाएगा, वह तैर जाएगा यानी कि वो तीर जाएगा, वह प्रसिद्धि लाभ करेगा। इसमें यह कहा गया है कि संगीत कला में, काव्य कला में और काम कला में जो अनबुरा व्यक्ति है, आधा बुरा आधा डूबने वाला है, वो डूब जाता है। अनबुरे बूढ़े, देखिए विसंगति अलंकार, जो अनबुरे है बूढ़े, जो आधा बुड़ने वाला है वो बुड़ जाता है यानी डूब जाता है यानी नष्ट हो जाता है, सफल नहीं हो पाता है, प्रसिद्धि लाभ नहीं कर पाता है। तीरे जे बूढ़े सब अंग, जो सब अंगों से पूरी तरह निमग्न हो जाता है, बूढ़ता है, डुबकी लगाता है, वही तीर जाता है, वह ख्याद हो जाता है, वो प्रसिद्धि पा लेता है। ये तीन कलाएं ऐसी हैं, देखिए इसमें काव्य कला और प्रेम जो है काम कला है ना, इस सब को का समन्वय इसमें है, यानी कि संगीत साहित्य और प्रेम इसमें पूरी तरह डूबने की आवश्यकता है। देखो तो कहना है कि कितने कम शब्दों में इतने बड़े भाव को, इतने बड़े अनुभव को उन्होंने रख दिया है। बिहारी इसीलिए तीरे हैं, बिहारी इसीलिए प्रसिद्ध हैं कि इन्होंने काव्य कला में पूरी तरह डूब गए थे, डूबे थे, निमग्न हुए थे। आगे बढ़कर मैं व्यासंधि का एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। व्यासंधि मतलब जब नायिकाएं पूर्ण वयस्का हो जाती हैं तो उसमें बहुत सी नायिकाओं का नायिका भेद है, उसमें प्रौढ़ा है, अनुढ़ा है, नवेली है, प्रसोद भद्रिका, बहुत नायिकाओं के बहुत भेद है, इस पर नहीं जाऊंगा, किंतु इसमें एक रूप वर्णन के अंतर्गत नायिका का जो रूप है, शारीरिक जो कांति है, शारीरिक जो शोभा है, उसको वर्णन करने के लिए एक दोहा आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें देखिएगा कि कितने कम शब्दों में कैसी कैसा सौंदर्य को पिरो दिया है। दोहा है, अंग अंग नग जग मगती दीप सिखासी देह, दिया बुझाए हूं रहे बड़ो उजेरे गे। देखिए इसमें भी अलंकार असंगति है फिर भी चमत्कार है। अंग अंग नग जग मगती दीप सिखासी दे, दिया बुझाए हूं रहे बड़ो उजेरो गे, यानी कि नायिका का जो शरीर है, नायिका की देह वो कैसी है, दीप शिखा सी है, पतली, दीप शिखा मोटी नहीं होती है, दीप शिखा पतली होती है, तो नायिका की देह पतली सी है, और उसमें क्या है, अंग अंग नग जग मगती, और उसके सारे अंगों में जो कपड़े पहने हैं उसमें नग जड़े हुए हैं, हीरा मोती जो कांतिमान रत्न सब हैं, नग
सब जड़े हुए हैं। उन नगों से दीप्ति जगमगाती रहती है, जगमग जगमग कर रही है। तो उनके अंग अंग में नग जगमगा रही है, नायिका के दीप शिखा सी दे। दिया बुझाए हूं रहे, दिया बुझाए यानी कि दीप बुझा दो तो भी क्या है, बड़ो उजेरे गे, घर में बहुत उजाला हो जाएगा, घर एकदम उजाला ही हो जाएगा। इसमें बताइए, इसमें क्या चमत्कार है? इसमें दो तीन चमत्कार है, इसमें बहुत बड़े भाव है। श्रृंगार का यह है, इसमें एक नायिका की देह का सौंदर्य वर्णन है। नायिका का देह कैसा लग रहा, लग रही है, कैसी लग रही है? दीप शिखा के समान लग रही है, पतली देह है, और दीप शिखा तो दिखाई पड़ती ना, उजला होती है, इस प्रकार एक उजली देह है। और उसमें क्या है, अंग अंग नग जग जगमगा रही है। अंग अंग उसके सारे अंगों में नग से सुसज्जित कपड़े हैं, बा जो अलंकार वगैरह पहनी है उसमें सब नग जगमग जगमग है ना, मूल्यवान सब पत्थर सब हीरा नीला मोती माणिक जो बोलते हैं, ये सब जड़े हुए हैं, ये सब जगमगा रही है। दिया बुझाए हूं रहे, दिया बुझा दीजिए, दिया जलाए बिना, दिया को बुझाए भी दे, बड़ो उजेरे गे तो घर बहुत उजाला हो जाएगा। मैं विद्यार्थियों के हित बता देना चाहता हूं कि दिया बुझाने वाली बात कब आती है। देखिए बिहारी इतने अनुभवी हैं, बिहारी नायक नायिका के परस्पर मिलन, यानी कि राजा रानी के परस्पर मिलन, यानी कि जो नायक नायिका है परस्परी मिलन को यहाँ चित्रित कर रहे हैं। और जब नायक नायिका या पति पत्नी जब उनका मिलन होता है तो उस समय दिया बुझा दिया जाता है। तो दिया बुझा भी दिया जाए, अंधेरा कर दिया जाए, तो भी वो घर, इनके जो अंगों में जो अलंकार है, इसमें जो नग जड़े हुए हैं, उस नग से उजाला हो जाएगा, यह कह रहे हैं। तो देखिए इसमें कितने बड़े से बड़े भाव इसमें भरा हुआ है। मैं कह देना चाहता हूं आप लोगों के मनोरंजन के लिए, देखिए आजकल ये कोरोना की विपत्ति, कोरोना का काल चल रहा है, और कोरोना के काल में हम लोग अपने शरीर के सब जगह कपड़े सब लगाए हुए, यानी कि कहीं कहीं देखिएगा माथे में लोग जड़ी के समान जो प्लास्टिक का क्या पहन देते हैं, हेड कवर, मुंह में सब लोग मास्क लगाए हुए हैं, मुंह भी बंद कर देते हैं। हम मुंह से किसी को कुछ बोल सकते हैं तो भीतर रह करके बाहर नहीं, हाथ में ग्लोव्स लगाया हुआ है और कपड़ा तो पहना ही है, यानी कि सारे अंग ढके ढके हैं। तो हम बात कैसे करेंगे? बात करेंगे तो बिहारी के समान करेंगे। बिहारी नायक नायिका की पारस्परिक बातें कैसे करते हैं देखिए, यानी कि कहना यह है कि हम लोग आंखों से सभी सारी बात करेंगे, यानी कि आंखें बोलती हैं। कहा जाता है कि आंखें बिना कहे बहुत सारे शब्दों को बयां कर देती हैं, बिना बोले। तो बिहारी ने भी ऐसा आंखों का वर्णन किया है, जो आंखों से ही सारी बातें हो जाती हैं। और इस कोरोना काल में हम सभी को आंखों से बात करने का विधान सीख लेना चाहिए। तो सीखे कहां से? बिहारी ने तो सिखाया है, बिहारी ने दोहा लिखा है, बिहारी के दोहे से हम लोग सीख सकते हैं। बिहारी का प्रसिद्ध दोहा आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो आंखों से बातें कैसे करते हैं इसका प्रमाण है। दोहा है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत लजियात,
भरे भवन में करत है नैनों नहीं सब बात। देखिए इसका अर्थ है कि भरे भवन में सबके सामने आंखों से सारी बात कर लेते हैं नायक नायिका, बिना बोले आंखों से ही सारी बात कर लेते हैं। कैसे? कहत सब, देखिए सब क्रियापद है, अन क्रियापदों का चमत्कार देखिए। कहत नटत रिझत खिझत मिलत लजियात, इतनी क्रियाएं हो जाती हैं, यानी कि नायक नायिका परस्पर आंखों से कहने लगते हैं। आंखों से कैसे कहते हैं? ये तो प्रसिद्ध है, आप सभी विद्यार्थी फिल्म वगैरह देखते होंगे, कैसे आंखों से गोली मारी जाती है, कैसे आंखों से आंख मारी जाती है, कैसे आंखों से आंखियां मिलाई जाती है, इसको वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि नायिका या नायक एक दूसरे से आंखों से कहते हैं, कहत मतलब कहना, आंखों से कह देते हैं। मान लीजिए नायक कह रहा है नायिका को आंखों से, है ना, क्या कहेगा? नायिका का क्या काम है? पैसा कमाने के लिए कहेगा? नौकरी करने के लिए कहेगा? नहीं, एक ही बात कह सकता है, कब मिलेंगे बताओ, यानी कि हम लोग कब मिलेंगे, यही ना कह सकता है, नायक है। तब जब वो कह देता है नटत, तो नायिका नटत मना कर देती है, कहा कि नहीं ऐसी बात मत कहो, अभी छोड़ो। उसके मना करने पर रिझत, नायक रिझता है, उस पर ज्यादा उत्सुक होता है, वो रिझ जाता है। उसके रिझने की क्रिया को देखकर नायिका खिझत खिजाने लगती है कि ये सब बात क्यों करते हो आदि आदि, और रिझत खिझत में दोनों के मिलन हो जाता है, दोनों की सहमति बन जाती है, मिलत तब दोनों लजा जाते हैं, दोनों में लज्जा का भाव चला आता है। इसी प्रकार भरे भवन में, भरे भवन में करत है नैनों नहीं सब सो बात, यानी कि नैनों नैना में नाकों से नेत्रों से इतनी सारी बात नायक नायिका परस्पर कर लेते हैं और बाकी किसी को पता नहीं चलता है। तो कहना यह है कि देखिए केवल क्रियापदों के चमत्कार से, सौंदर्य से कितने बड़े भाव को बिहारी ने भर दिया है। ऐसे 700 दोहे हैं। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आप लोगों को थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए। ये कोरोना के लिए कहा जाता था कि कोरोना का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा जब गर्मी आ जाएगी, जब जब गर्मी पड़ जाएगी कोरोना का जो विषाणु है वो मरता जाएगा। किंतु इस बार इतनी भयंकर गर्मी पड़ी कि नहीं पड़ी, अब तक कोरोना का विषाणु नहीं मरा है। जान लीजिए अभी लोग कह रहे हैं कि शरीर को गर्म करते रहिए, शरीर को तंदुरुस्त मजबूत करते रहिए, शरीर में गर्मी पैदा कीजिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी और कोरोना भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो गर्मी बढ़ाने वाली बात, तो बिहारी ने इस पर दोहा एक लिखा है। आप लोग कहते होंगे कि आज कोरोना काल के लिए लिखा है? नहीं, कोरोना काल के लिए नहीं लिखा है, वो तो नायिका के लिए लिखा है। नायिका का वियोग वर्णन किया है, किंतु उस वियोग वर्णन में ऐसा भाव है जो आज के लिए थोड़ा सा प्रासंगिक लगता है। शरीर गर्म करने वाली बात होती है जो मनोरंजन के आधार पर है। इसमें नायिका का वियोग वर्णन है, नायिका वियोगिनी है, उसका नायक उसके सामने नहीं है, और उसमें विरह की ताप है, विरह की उत्ताप है, विरह से वो तड़प रही है, और उसी तड़पन से उसका शरीर बहुत गर्म हो गया है।
देखिए एक दोहा देखिए, कैसी गर्मी है उसके शरीर में, औंधाई सी सी सुलखी बिरह बरनी बिललात, बीच ही सूखी गुलाबू गो छींटो हुई न गात। इसका अर्थ बताता हूं, आप लोग हंसेंगे, मेरे सामने होते तो बहुत हंसते, बहुत मनोरंजन होता, किंतु सुनकर भी मनोरंजन होगा, मनोरंजन के साथ साथ बिरह वर्णन भी हो जाएगा। देखिए, औंधाई सी सी सुलखी बिरह बरनी बिललात, बीच ही सूखी गुलाबू गो छींटो हुई न दात। इसका प्रसंग है कि नायिका बिरह से बहुत व्यथित है और उसकी व्याकुलता से उसके शरीर बहुत गर्म हो गया है, बिरह ताप, जो बिरह के उत्ताप से वो शरीर इतना गर्म हो गया है कि उसकी सहेली को बहुत चिंता हो गई है, और उस बिरह ताप को कम करने के लिए उसकी सखी क्या करती है कि गुलाब जल से भरी हुई पूरी शीशी को उसके शरीर पर पलट देती है। किंतु चमत्कार यह होता है कि वह गुलाब जल बिरहताप की अतिशयता को बीच में इतने उसके शरीर गर्म है कि वो गुलाब जल उसके शरीर में पड़ नहीं पाता और भाप बनकर उड़ जाता है। यानी कि नायिका के शरीर से गुलाब जल की एक बूंद भी स्पर्श नहीं कर पाता। कहना यह है कि बिहारी की नायिका बिरह व्यथा से इतनी, बिरह ताप से इतनी व्याकुल है, उसका शरीर इतना गर्म है कि जैसे शरीर को ठंडा पहुंचाने के लिए गुलाब जल लगाया जाता है, उसकी सहेली पूरी शीशी गुलाब जल उसके शरीर पर उड़ेल देती है, किंतु वो गुलाब जल शरीर के पास तक नहीं पहुंचती है, पहुंचता है और उसके शरीर के गर्मी से, बिरह ताप से वो भाप बन करके चला जाता है। कहना यह है कि बिरह का अतिशयोक्ति वर्णन, अगर गुलाब का जल किसी पर उड़ेल दिया जाए और वह भाप बनकर उड़ जाए तो आप लोग कल्पना कीजिए उसके शरीर में कितनी गर्मी होगी। कोरोना भी त्राही त्राही करेगा, उसके नाक के सामने आने से पहले कोरोना भी भाग बनकर कहीं गायब हो जाएगा। कहना यह है कि इसी प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा बिहारी नायिका का बिरह वर्णन करते हैं, नायिका की बिरह जनित ताप को यहां वर्णित करते हैं। इसी प्रकार अतिशयोक्तिपूर्ण बहुत से वर्णन आपको मिलेगा। तो बिहारी इस प्रकार के चमत्कार करते हैं, अपने काव्य के द्वारा गागर में सागर भर देते हैं और रस अलंकार छंद से संबंधित अपने कृतित्व को प्रमाणित करते हैं। नीति संबंधी, प्रेम से संबंधी, भक्ति से संबंधित भी इनके कई दोहे हैं, उदाहरण उनके उसमें लिखे गए हैं। तो इस प्रकार रीतिकाल का यह कवि कवि के रूप में हिंदी साहित्य का गौरव है एवं उनकी सच्चाई हिंदी साहित्य की एक अनुपम निधि है। तो ये बिहारी के कृतित्व, व्यक्तित्व और कृतित्व संबंधित एक व्याख्यान रहा। समय हो चुका है, अब मैं विद्यार्थियों से जो पक्ष छूट गए हैं इस पर चर्चा के लिए, यदि कहीं शंका हो, कहीं कुछ हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं,
बिहारी के कृतित्व के बारे में उनके दोहा उनके उदाहरण नहीं दे करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत प्रकार के दोहा हैं, दोहा के संकलन भी हमारे पास, मैं रखा हूं इसमें एक दोहा संकलन है। तो दोहे को समझने के लिए वो जरूरी हो जाता है, तो उनके दोहे के बिना उनके कृतित्व का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने कुछ उदाहरण दिए। और मुझे लगता है विद्यार्थी जरूर उपकृत होंगे, फिर भी कहीं कहीं किसी प्रकार का यदि किसी प्रकार की जानकारी है तो फिर हम उस पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। अब दिखाई पड़ने लगे हैं अभिषेक भाई, है ना, जी आप सर, एक बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। प्रश्न तो सर विद्यार्थियों ने लगातार पूछ ही रहे हैं। सर हाँ विद्यार्थियों के प्रश्न पे हूँ, उससे पहले मुझे अचानक जिसमें आप चर्चा कर रहे थे ओरछा की, तो मुझे एक कहूँ तो रिकॉल एक हल्की फुल्की आई, आपको शायद याद भी होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं ओरछा की तो ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड या हम कहें ब्रज का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन एक बहुत निराली सी बात है, मुझे नहीं पता कितने विद्यार्थी जानते हैं, पर ओरछा में हाँ राम की पूजा बहुत मान्यता आस्था के साथ की जाती है, और ओरछा हाँ का राजा राम को संबोधित कर कर कहा जाता है, तो उसके पीछे की हाँ बहुत एक रोचक कहानी है। विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि कोशिश कीजिएगा ढूंढने की, बहुत रोचक, मुझे तो ज्ञात है, बहुत रोचक कहानी। अचानक से ओरछा की बात चल रही थी तब मेरे ध्यान में आ गई सर। हाँ जी सर, तो अब आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों के प्रश्न वगैरह सब सबसे पहले लेता हूँ। एक विद्यार्थी सर साक्षी जी पूछ रही है, थोड़ा सा अलग उनका प्रश्न है इस व्याख्यान से, पर मैं आपके समक्ष रखता हूँ। अलग कोई जी, वो असुविधा नहीं, पूछती अलग हैं कि होने से चलेगा। सूरदास जी ने कृष्ण की किस रूप की आराधना की है? हाँ, हाँ, सूरदास जी कृष्ण के किस स्वरूप का? किस स्वरूप का वो आराधना करते हैं सूरदास जी? बहुत अच्छी बात है। देखिए, सूरदास पहले कृष्ण भक्त नहीं थे, कृष्ण भक्त बाद में हुए। कब बाद में हुए? जब कृष्ण दिखाई पड़े उनको। कृष्ण जब दिखाई पड़े तब वे कृष्ण भक्त हुए। आगे सूरदास एक बहुत बड़े प्रेमी थे, ये कथान है, ये सब देखिए सब लोकोक्ति है, थे कि नहीं थे मैं भी नहीं जानता हूं। सूरदास निर्गुण उपासना में विश्वास करते थे, है ना, निर्गुण। उनका एक पद है जो ज्यों एक है, अभिगत गति कछु कहत न भावे, है ना, ज्यों गूंगे मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। ये पद रचयिता, ये सुरसागर का पहला ही पद है। अभिगत गति माने कि निरंजन, उनकी गति को कोई बयान नहीं कर सकता। सूरदास निरंजन के उपासक माने जाते, किंतु देखिए यदि आप कहेंगे सूरदास कृष्ण के किस रूप का उपासक थे, तो सीधा सीधा उत्तर है श्री कृष्ण के बाल रूप का उपासक थे। उन्होंने कृष्ण के बाल लीला वर्णन को बखूबी वर्णन किया है, डूबकर वर्णन किया है, और इसीलिए सूरदास को वात्सल्य रस का श्रेष्ठा भी माना जाता है। तो कृष्ण के किस रूप का उपासक मानेंगे, तो कृष्ण के बाल रूप का, बाल गोपाल कृष्ण का उन्होंने वर्णन किया है। कृष्ण को धूल खेलते हुए, मक्खन खाते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, दोस्तों के साथ खेलते हुए, है ना, ये सब दिखाया गया है। तो सूरदास बाल गोपाल के उपासक, ये सिद्धार्थ। जी सर, आगे बढ़ते हैं सर, और भी लगातार प्रश्न वगैरह आ रहे हैं विद्यार्थियों के। जी सर, आप जब रहते हैं प्रश्न वगैरह बहुत आते हैं, तो मैं प्रश्न वगैरह पहले लेने का प्रयास करता हूँ। हाँ प्रीति जी प्रश्न पूछती हैं कि सतसई काव्य के दोहे हमें कैसे पढ़ने को मिलेंगे, मतलब क्या कोई हाँ पुस्तक है जहाँ पर बहुत सतसई बढ़िया, के दोहे? बहुत। देखो गुड़िया, एक पुस्तक है हम लोग पढ़ाते हैं, उस पुस्तक का नाम है बिहारी रत्नाकर।
बिहारी रत्नाकर, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर संपादित बिहारी सतसई की टीका है और यह बाजार में ये पुस्तक मिलती है। तो बिहारी को समझने के लिए सबसे लेटेस्ट यानी कि सबसे अत्याधुनिक प्रामाणिक कोई टीका यदि है उसका नाम है बिहारी रत्नाकर। तो बिहारी रत्नाकर में बिहारी के सारे दोहे हैं, दोहे के अर्थ हैं, दोहे से संबंधित जानकारी है और बिहारी सतसई की भूमिका में मैंने जितनी बातें कही हैं ये सब बिहारी की भूमिका में है। बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर अपने नाम से बिहारी रत्नाकर पुस्तक लिखी है तो इसमें मिल जाएंगी। जी सर, सर लाइब्रेरी में आगे है, पुस्तक लाइब्रेरी में है, मेरे लाइब्रेरी में है, अच्छा मेरे पास अभी नहीं है नहीं तो दिखा देता, जी है ना, जी मेरे जी पास अभी नहीं है, लाइब्रेरी में है। जी सर सर और एक प्रश्न है कि एक विद्यार्थी पूछते हैं कि बिहारी जी जो हैं वो कृष्ण के किस रूप को मानते या पूजते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात। देखिए, कृष्ण को कम पूछते थे, राधा को ज्यादा पूछते थे, है ना, उनकी रचनाओं में जो मिलती है। जानते हैं राजस्थान में, ये तो राजस्थान जयपुर में रहते थे ना, जयपुर में कृष्ण के वो बांके बिहारी रूप का एक मंदिर है, जयपुर में ही है कृष्ण के मंदिर हैं वो, है ना, बांके बिहारी जो कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं ऐसे। तो जेहेतु वह बहुत प्राचीन मूर्ति है उससे पता चलता है कि बांके बिहारी के उपासक रहे हैं, यानी कृष्ण जब प्रेमी के रूप में है, जो नायक के रूप में है ना, इस रूप को ज्यादा वो पसंद करते थे, उपासना करते थे, क्योंकि जानते हैं उनके दोहे में कृष्ण की बाल लीला वर्णन नहीं, कृष्ण का वर्णन नहीं है, कृष्ण को नायक के रूप में वहां रखा गया है। यानी कृष्ण बांके बिहारी हैं, बांसुरी बजाने वाले हैं, प्रेमी हैं। तो सीधे सीधे कहा जाता है कि वो यदि कृष्ण की उपासना करते थे, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, तो उनको कृष्ण के प्रेमी रूप अधिक भाया होगा, क्योंकि कृष्ण को उन्होंने नायक के रूप में चित्रित किया है, कृष्ण और राधा को प्रेमी प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है, नायक नायिका के रूप में चित्रित किया है, इसलिए बिहारी कृष्ण के उपासक रहे हैं तो उनको ज्यादा पसंद आया उनका प्रेमी रूप। सूरदास को उनके बालक रूप बहुत पसंद आया था, माँ के रूप में उन्होंने चित्रित किया है, मातृभाव भरा है। तो बिहारी तो प्रेम श्रृंगार के कवि हैं, तो इनको उनके प्रेमी रूप बहुत पसंद आया होगा, ये उत्तर है। जी सर धन्यवाद सर। एक चीज मैं आखिर की बात से जोड़ती हूँ, एक प्रश्न नहीं बस ऐसे पूछना चाहता हूँ जिज्ञासा के तौर पर, क्योंकि जब हम बिहारी की बात करते हैं, उनकी रचना बिहारी सतसई की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से हमें यह देखने को मिलता है कि उनके रचना में जो है वो श्रृंगार और संयोग, श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्ष का वर्णन किया गया है, ये हाँ, उनके रचनाओं में उसके देखने साथ को सबसे मिलता है। ज्यादा जी, तो ये जो दोनों चीज देखने को मिलती है, तो हम क्योंकि जब संयोग और वियोग को देखते हैं तो मुख्य रूप से राधा के लेकर के दर्शाते हैं, लेकिन जब हम साहित्य की बात करते हैं, रीतिकाल में जब जाते हैं, तो हम लोग बिहारी को जो है मुख्य रूप से कृष्ण धारा के कवि के रूप में, मुख्य कवि के रूप में माना जाता है, तो उनकी रचनाओं में तो ज्यादा राधा को महत्व दिया गया है। तो मेरा प्रश्न बस ये है कि हम उन्हें कृष्ण भक्ति धारा में नहीं कहते, चूंकि राधा का नाम कृष्ण से जुड़ा है इस वजह से उन्हें कृष्ण भक्ति धारा में रख सकते हैं, या यह भी एक चीज देखने को मिलती है कि जो समाज था, मैं गलत अगर हूं तो मुझे सही कीजिए, क्योंकि उस दौर की जो समाज थी वो मुख्य रूप से समाज थी, तो राधा के कहीं अगर राधा की ये अगर राधा के वो मानने वाले हों, इन्हें नहीं दर्शा करके इस वजह से इन्हें कृष्ण भक्ति काव्य धारा में रख दिया गया, क्योंकि आपने भी जैसा भी कहा मुख्य रूप से राधा के ऊपर इनकी ज्यादातर जो काव्य रचनाएं रहती हैं, तो एक ये ही एक पंख सोच। और कुछ नहीं है। तो जी, इसको इनको कहाँ रखें, यही है ना, हाँ सर, आया बता देता हूं। रीतिकाल के बारे में प्रसिद्धि है, बिहारी के बारे में प्रसिद्धि है, सुन लीजिए। समुझे कविता तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहाना है।
यानी कि कविता समझ में आई तो कविता है, अगर नहीं है तो नायक नायिका के हैसियत से राधा कृष्ण को स्मरण करने का बहाना मात्र है, एक बहाना है। यहां जानते हैं इसीलिए हम बिहारी को भक्त कवि नहीं मानते, जब उनकी कविताओं में भक्ति है, भक्ति से शून्य नहीं है, किंतु उनको भक्त कवि इसलिए नहीं मानते हैं कि उनका प्रमुख स्वर रीति का स्वर है, श्रृंगार का स्वर है, संयोग श्रृंगार के ये रचयिता है, संयोग वियोग भी, किंतु वियोग से ज्यादा संयोग, संयोग से ज्यादा जो मनोवृत्तियां हैं, जो भाव हैं, देखने की मनोवृत्ति, छूने की मनोवृत्ति, एक दूसरे से वार्तालाप करने की है ना मनोवृत्ति, आंखों से बात करने की मनोवृत्ति, शारीरिक शोभा को देखने की मनोवृत्ति, बाद में मिलन की भी मनोवृत्ति, मिलन के सारे चित्र सब रख दिए हैं, संभोग श्रृंगार काम कला के चित्र भी रख दिए हैं, यानी कि पूरा जीवन। तो कहना यह, इसलिए इनको रीतिकाल के अंतर्गत रखा जाता है, ये भक्त कवि इसलिए नहीं कहेंगे कि इनमें भक्ति की श्रेष्ठता नहीं है, भक्ति रीतिकाल के कवियों के बारे में ये एक प्रसिद्धि भी है कि रीतिकाल के कवि श्रृंगार चित्रण में जब ऊब जाते थे तो भक्ति की रचना करते थे। तो बिहारी में ऐसी बात नहीं है, बिहारी तो राजा के लिए लिखता था, एक तो राजा को खुश करना, राजा श्रृंगार में ज्यादा खुश होते थे, तो इसीलिए राजाओं को खुश करना श्रृंगारिक कविता अधिक लिखी, तो इसलिए ये श्रृंगार के कवि रीति कवि रीतिकाल के कवि ठहरेंगे। जी सर, ये बिहारी के काव्य की ही अगर कहूँ तो खूबियां रही है कि वो मुख्य रूप से दरबार में रहते थे, लेकिन उनके बारे में एक चीज जो प्रचलित भी है कि वो दरबारी के मतलब एक जो नहीं होता, राजा के सिर्फ प्रशंसा करना, उसमें लिप्त नहीं रहते थे, ऐसा हाँ हम बहुत लोगों ने बढ़िया पढ़ा बहुत भी है। जी सर, जी सर, कि जयपुर नरेश जो थे मिर्जा राजा जैसी, वो मुख्य रूप से भोग विलास में व्यस्त रहते हाँ थे, लेकिन वो उनके कवि थे, किसी के अंदर इतना साहस नहीं था जी सर कि उनके ऊपर वो लिखे, लेकिन उन्होंने लिखा भी है ना कि ना ही पराग, ना ही मधुर महू, ना ही विकास, यही काल। जी सर, ध्यान नहीं, मैं चर्चा शायद भूल गया हूं, मैं बता देना चाहता हूं, ये मैंने उल्लेख किया था, जी, किया था सर आपने। नहीं पराग नहीं दुर मधु नहीं विकास यही काल, ये अन्योक्ति अलंकार का छंद दोहा छंद है, इसमें सीधा नहीं कहा गया है जय सिंह तुम ऐसे कर रहे हो, किंतु उसका अर्थ है कि एक भंवरा के रूप में उसको चित्रित किया है, एक कली के रूप में, कली में अभी मधु नहीं आई है, ये कली पूर्णतया विकसित नहीं हुई है और भंवरा उसमें बैठ गया है, जब विकसित होगा तो क्या होगा, तो ये समझ जाता है। कहना यह है इसके चमत्कार से जयसिंह बहुत प्रभावित हुए, बहुत प्रमुदित हुए, प्रसन्न हुए और इन्हें स्वतंत्र रूप से दोहा लिखने के लिए कहा, अपनी प्रशंसा करने के लिए नहीं कहा। तो बिहारी ने कहीं राजा की प्रशंसा, दरबार में रहते हुए भी राजा की जैसी प्रशंसा होनी चाहिए, वो नहीं की है, वो स्वतंत्र रूप से काव्य लिखे है ना, किंतु राजघराने के सुख, राजघराने का सम्मान पाकर, जी सर, यही बिहार। जी सर, वही एक चीज मुझे अचानक से ध्यान आया, उन्होंने कह दिया। जी हाँ सर, बहुत बढ़िया है ना, राजा के दरबारी कभी प्रशंसक थे ना, जी, जी हाँ दरबारी कभी मतलब राजा की प्रशंसा करना, ऐसा नहीं, जी राजा की प्रशंसा नहीं की, राज दरबार में राज कवि के रूप में रहे, सम्मानित पद पाकर और आजीवन रहे, आजीवन रहे। जी सर, जी सर, यही उन्हें उस दौर के कवियों से अलग बनाती है, क्योंकि हाँ उनके जो इसीलिए, साहित्य, जी सर, साहित्य में बहुत अलग भिन्नता देखने को मिलती है। जैसा हम लोग जब आपने जो अंतिम में जो कहा, वो जो देह की गर्मी के बारे में जो गुलाब जल छिड़कते हैं, इसके संदर्भ में भी एक बात कही गई है कि यह जो उनके लेखनी में थे, क्योंकि उस दौर में मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति धारा को देखे तो ज्यादातर भक्त और एक तरह से कहूँ भगवान के बीच में संवाद होता था। इनके साहित्य में हल्की फुल्की हम देखते हैं, सूफी मत भी हल्का फुल्का इनके साहित्य में देखने को मिलता है, उधर से भी वो हाँ प्रभावित इनके। जी सर, इस वजह से इनको हाँ अलग, जी सर, रीतिकाल में बहुत इतने श्रेष्ठ कवि के रूप में उजागर हुए हैं। बहुत, ये सही बात है, ये सही बात है, हम प्रभाव देख सकते हैं। जी सर, प्रिय विद्यार्थियों, इसके इतर अगर आपके कोई प्रश्न हो
तो आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आप अपने प्रश्न यहाँ चैटबॉक्स के माध्यम से लिख करके सर के समक्ष रख सकते हैं, या चाहे तो सीधे तौर पर अपने माइक को अनम्यूट करके भी सर से अपने प्रश्न पूछ सकते नहीं, हैं। माइक के कर सकते, कैसे में समझने से हो जाएगा। जी 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 सर। विद्यार्थी शायद बीए के विद्यार्थी है ना? जी जी हाँ, सर, बीए के विद्यार्थी हैं। बीए के विद्यार्थी हैं, इसलिए इनमें उत्सुकता रहती है। एमए के विद्यार्थी क्या होते हैं, बीए में कुछ पढ़ के आते हैं ना, जी तो एमए में प्रश्न पारा होता है। और अभी ये जब पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो ऐसा प्रश्न नहीं होता है। जी सर, जी सर, जी सर, सर कोई प्रश्न तो नहीं दिख रहा। चल सर, हम अपने सत्र को समापन क्यों लेके जाते हैं। इसके इतर भी आपके अगर कोई प्रश्न आएंगे तो मैं सर तक निश्चित तौर पर पहुंचाऊंगा। कक्षा के हाँ, उपरांत भी अगर आपके प्रश्न आएंगे तो मैं सर तक उस पर आपके प्रश्न संप्रेषित कर दूंगा। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी सब जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ इसमें 10 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, है ना। और ये आप लोग तो रिकॉर्ड कर लेते हो, तो जी 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 इसीलिए सर ये बार बार उन लोगों को मिल जाएगा सब। जी जी सर। फिर हम सर समापन की ओर बढ़ते हैं सर। हाँ, सबसे पहले तो विद्यार्थियों का बहुत बहुत हृदय से आभार, क्योंकि बिना विद्यार्थियों के कक्षा तो पूर्ण नहीं होती है। जैसे सबसे बड़ा साधुवाद, धन्यवाद विद्यार्थियों को अपना समय देने के लिए। उसके बाद सबसे बड़ा धन्यवाद आज के हमारे जो तकनीकी सहायता में थे, विज्ञा प्रभा मैम, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपनी तकनीकी सहायता के। जी धन्यवाद मैम, सर। थैंक यू। विद्यार्थी जो जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा हृदय से आभार सर का, कि सर को जब भी मैंने आग्रह किया, सर ने अपना समय दिया है, अपना प्रेम आशीर्वाद मुझ पे दिया है, आप लोगों को दिया है, तो बहुत बहुत आभार सर, हृदय से आपको बहुत बहुत पुनः एक बार आभार। ये जान लीजिए, मैंने अपना मान लिया है कि आप जब तक हैं, है ना, इस प्रकार समय मुझे देना पड़ेगा। एक ऐसी योजना बन गई है। जी सर, निश्चित तौर पर सर। और अभी थोड़ा सा फ्री हूँ, जी अभी घर में हूँ, इसलिए समय दे पा रहा हूँ। फिर जी आगे देखा जाएगा इस प्रकार कैसी सहायता कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा। जी सर, अच्छा सब लगता है। देखिए, काव्य शास्त्र बिनो देना, काल अगच्छन्ति धीमताम। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो विद्वान हैं, जो प्रज्ञावान हैं, वो काव्य शास्त्र के चर्चा परिचर्चा से अपने समय का अतिवाहित करते हैं। जो मूर्ख हैं, वो उनका अलग धंधा है झगड़ा करने से। व्यसने न तु मूर्खाणाम निद्रया कलहे न वा। व्यसन मतलब झगड़ा करना, मौज मस्ती करना, मटर गस्ती करना, या सोना निद्रया, सोना नहीं तो झगड़ा करना, इससे वो अपना समय बर्बाद करते हैं। तो भाई, हम लोग तो काव्य शास्त्र के आनंद वाले हैं, चर्चा परिचर्चा से हमको आनंद आता है। तो ये मेरे लिए अच्छा अवसर है कि आप लोग अपने विश्वविद्यालय से मुझे जोड़ रखे हैं, मुझे इस प्रकार समय अतिवाहित करने का मौका मिलता है। बहुत धन्यवाद इसलिए। हाँ, फिर जी सर, बहुत बहुत आभार। अगली कक्षा में मिलते हैं, जी सर, निश्चित तौर पर सर, आपको मैं सूचित करूंगा सर। दे दीजिएगा। जी 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 सर, ठीक सर है, प्रणाम बहुत सर। जी सर, रखिए। सभी विद्यार्थी कोरोना काल में अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। संबलपुर में भी बहुत कोरोना बढ़ रहा है, और मेरे विद्यार्थी जहां जहां, जिस उड़ीसा के जिस जहां जहां होंगे, वहां भी सावधानी रहने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उड़ीसा में, बंगाल में, भारतवर्ष में कोरोना का यह प्रकोप इसी महीना जारी रहेगा, तो इसलिए हम सबको सावधान होना है। अब पढ़ाई ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी, अब विश्वविद्यालय आकर या क्लास में आकर पढ़ना मुझे इस साल शायद नहीं लगता है, सामान्य होने के बाद होगा, जी नहीं सर, तो निश्चित तौर पर। मेरे हो जाएगा। जी सर, उम्मीद है कि सब अच्छा हो। विद्यार्थियों अपना अपनों का ध्यान रखें, सुरक्षित रखें, और इसी तरह अपना समय देते रहें कक्षा में। आपके जो भी प्रश्न दुविधा, कभी मन में शंका हो, मुझ तक संप्रेषित कर सकते हैं। मैं बहुत आपके अच्छा। समस्या का समाधान के लिए हमेशा तत्पर हूँ, तैयार हूँ। जी सर, बहुत बहुत आभार पुनः एक बार सर। सर आप चाहें तो अपनी ओर से सर कॉल को एंड कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ। जी सर, आभार सर, पुनः एक बार। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का पुनः एक बार जुड़ने के लिए इस कक्षा में। कल हमारी पुनः एक कक्षा है,
और जिसके संबंध में आप लोगों को मैसेज ईमेल के द्वारा और हमारी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनी हुई है विश्वविद्यालय के, उस पर भी आपको संप्रेषित करके मैं लिंक और समय वगैरह आपको भेज दूंगा। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा कल भी कक्षा में इसी तरह अपना समय दें, इसी तरह आए, अपने प्रश्न दुविधा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।